सॉरी सॉरी सॉरी, वो मैं स्टेज पर एकदम डर गई थी, खड़ी हो गई थी डर के मारे। लेकिन उसके बाद मम्मी आपने आग लगा दी थी, आग। पापा मुझे नहीं आते तो शायद शायद हिम्मत भी नहीं आती। मम्मी कूल डूड हमेशा सब्जियां लेकर नहीं आते, कभी कभी हिम्मत भी लेकर आते हैं। चुप कर, कुछ नहीं बोलता। वाओ, आई मस्ट से मिस अनुपमा और उनके स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस वाज माइंड ब्लोइंग। इतनी यूनिक और सोलफुल परफॉर्मेंस के बाद अब बारी है हमारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस की। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस प्रीति एंड हर स्टूडेंट्स। चलिए चलिए, कम ऑन पाकी, हेयर और मेकअप का टचअप कर लेते हैं। हम लोग यहाँ इतना सबसे पीछे क्यों बैठे हैं? दीदी, हम लोग चीफ गेस्ट नहीं है कि हम लोग आगे बैठेंगे। पर आगे की कुर्सियाँ खाली है। वो स्कूल के स्टाफ के लिए है। पर अनुपमा और पाकी ने वहाँ रुमाल रख दिया होता तो वो सीट हमें मिल जाती ना। ये जामनगर की बस थोड़ी है कि रुमाल लगने से सीट मिल जाएगी। अब सीट हमारी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आगे बैठ जाते हैं। वो बचपन में बैठ जाते थे ऐसे। अरे बचपन में तो सारी फिल्में फ्रंट रो में बैठ के देखी है। फिल्म तो है ना, आगे बैठ कर ही देखनी चाहिए, क्योंकि जब स्टार लोग अपनी गुप्त बातें करते ना तो हमें सुनाई देती है और समझ में आ जाती है। जल्दी पाखी और काव्या का नंबर आने वाला है। I hope my girls rock. तू अपनी बेटी का डांस देखने जितना उतावला हो रहा है उतनी अनुपमा भी होगी। लीला, अपने ठाकुर जी से कहे कि अब भी टाइम है, पाखी को थोड़ी सद्बुद्धि दे कि अपनी माँ को अपना डांस देखने दे। माँ बेटी के बीच में तो ठाकुर जी भी नहीं बोलते। काश पाखी को 100-200 ग्राम अक्कल दे दे। पर तो आप ही दे दो ना। नहीं नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, क्योंकि आपके पास ही 100-200 ग्राम है। अगर आप दे दोगी तो आपके पास बच्चे का क्या, भूसा। I just hope मम्मी को पाखी का परफॉर्मेंस देखने मिले। It means a lot to her. चेंज करने जाए, हमें और परफॉर्मेंस भी तो देखनी है। हाँ हाँ, जाओ कर लो चेंज। I swear, कल अगर मेरी मम्मी मुझे वहाँ देख गई तो मैं स्टेज से नीचे उतर आऊंगी। आप अगर मेरे सामने आई ना तो मैं डांस नहीं करूंगी। मैं बाकी से बात कर कराती हूँ। रहने थे, मेरा डांस मेरे बाबा पूछे की वजह से अच्छा हो गया, कहीं माँ के वजह से उसका डांस खराब ना हो जाए। और मम्मी तो सो है, शायद आएगा। स्वीटी उसकी लाडली है ना, शायद आ जाए। आंटी, भाई अभी तक नहीं आया तो आप रुक जाइए ना। नहीं रुक सकती बेटा। अच्छा, ये बच्चों ने कपड़े बदल लिए तो फिर उन्हें कुछ खिला देना, डब्बे यहीं छोड़ के जा रही हूँ। चलती हूँ इससे पहले कि स्वीटी आ जाए और फिर नाराज हो मुझे यहाँ देखकर। मैं देखा तुम्हें मेरा डांस, देखा कैसा लगा? नाइस, थैंक यू, थैंक यू। पर मेरे परफॉर्मेंस के टाइम ये बहाने नहीं होनी चाहिए। ओ मैं तेरा डांस मैं थोड़ा सा तब तक कहीं दोनों माँ बेटी में पैच अपना हो जाए।
मेरी परफॉर्मेंस शुरू होने के पहले आप चले जाइएगा। चलो पाखी। चाहिए प्लीज। पास अवे। तेरे पापा जा रहे हैं तेरे साथ। मुझे मम्मी चाहिए, आप भी साथ चलो प्लीज। देख घर में मेहमान आ रहे हैं तो मम्मी को यहाँ रहके खाना बनाना है, इसलिए पापा जाएंगे ना तेरे साथ। मुझे कुछ नहीं पता, अगर आप मेरा डांस नहीं देखेंगी तो मैं डांस ही नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, मम्मी भी आएगी। पक्का? पक्का। अगर आप नहीं आती ना तो मैं बहुत रोती। अरे तुझसे ज्यादा तो मैं रोती मेरी स्वीट डूडी। मुझे भी तो मेरी स्वीटी को डांस करते हुए देखना है ना। आप मेरा हर परफॉर्मेंस देखने आएंगी? हमेशा। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। मेरी परफॉर्मेंस शुरू होने के पहले आप चले जाइएगा। सूती साड़ी में भगवान है, धरती जितना दुख सहे माँ, फिर भी कुछ ना क्यों कहे मम्मी। मुझे नहीं जाना समय, मुझे नहीं जाना है, मुझे मुझे यार है कि मेरी स्वीटी का डांस देखना है। मुझे नहीं जाना समय, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। एक ना एक दिन तो बेटी पराई होती है, पर जब तक वो अपनी है तब तक उस पर माँ का इतना तो हक होना ही चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं, तू बोल। मुझे नहीं जाना समर, माँ के लिए उसकी जायदाद जमीन जेवर घर ये सब नहीं होते, यादें होती हैं, उसके बच्चों की यादें, वो यादें जो यहाँ बनेंगी। उन यादों पे सिर्फ स्वीटी का हक नहीं है, मेरा भी हक है। नहीं जाना मुझे समर। वो गुजराती छू और हम गुजराती इन्वेस्टमेंट के बहुत पक्के होते हैं। मैंने भी तो बच्चों की एक एक पल की हड्डी करके रखी हुई है यहाँ पर। यही पल तो एक माँ की पूंजी होती है, उसकी पेंशन होती है, जो उसके बुढ़ापे का सहारा बनती है। तुझे पता है ना मुझे आज के दिन का कब से इंतजार था, पर जब स्वीटी ने कहा कि मम्मी नहीं आएगी, मम्मी नहीं देखेगी, तो ऐसा लगा जैसे जैसे पहली तारीख को पगार मिलते ही किसी ने जेब काट दी हो। बोलो। मुझे नहीं जाना। मन तो करता है यहाँ पर रुकू, उससे झगड़ा करूं, उससे लड़ू, उसे दुख थप्पड़ लगा कर दू, उसे समझाओ, जिद करूं। मुझे मैं नहीं कर सकती माँ, उन्हें माँ जिद नहीं कर सकती, माँ जिद नहीं कर सकती, माँ जिद नहीं कर सकती। पर बेटा तो कर सकता है ना। पिटी को आपको नहीं देखना, उसे आप नहीं देखोगे, पर आप अपनी बेटी को देखोगे, जरूर देखोगे।